सीकर जिला मुख्यालय पर आज देर रात छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो पक्षों में आपस में जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और आरएसी के जवानों ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और आरएसी के जाब्ते के सामने ही असामाजिक तत्वों ने जमकर एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। हालात तनावपूर्ण होने के बाद कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। सीकर में राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा था, उसी के दौरान समाचार प्राप्त हुआ कि शहर में जो पुराना शहर है उसमें कुछ लोगों में विवाद हो गया है, झगड़ा हुआ है और आपस में कुछ पथराव की घटना भी हुई है। तत्काल मैंने एसडीएम को, संबंधित थानेदार को और सीओ को इनको भेजा और एसपी साहब के साथ स्वयं भी मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ वाकई जो कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सड़क पे कुछ पत्थर वत्थर पड़े हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। झगड़े के कारण आज सीकर शहर बंद है। विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में है। रामलीला मैदान के आसपास गुरुवार शाम को कुछ युवाओं के बीच मारपीट के मामले में देर रात दो पक्ष आमने सामने हो गए। नया दुजोद गेट क्षेत्र के पास दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हुई। आधा दर्जन लोगों और पुलिस आरएसी के दो जवानों को चोट आई है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए आरएसी ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने रात 11:15 बजे धारा 144 लागू कर दी। आरएसी ने फ्लैग मार्च किया। रात 2 बजे पोस्ट ऑफिस के बाहर ठेलों में आग लगा दी। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। झगड़े के बाद अब सीकर में बंद लागू कर दिया गया है। पथराव के कारण कई लोगों को चोटें भी आई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धारा 144 लागू होने के बाद की है, जहां इलाके में धारा 144 लागू होने के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीकर से, जहां 144 धारा लागू कर दी गई है। रात हुए पथराव के बाद, झगड़े के बाद 144 धारा लागू कर दी गई है, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई है पथराव के कारण। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सीकर से। हमारे संवाददाता रमेश हमसे जुड़ गए हैं इस बारे में जानकारी देने के लिए। जी रमेश, बताएं कि फिलहाल इलाके में क्या हालात हैं? बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। बंद हालांकि शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन माहौल जो है वो काफी तनावपूर्ण है। कई बार दो गुट आमने सामने भी हुए हैं। पुलिस का जो भारी जाब्ता है वो शहर भर में तैनात किया गया है। आरएसी की जो बटालियन है वो अलग से पुलिस जाब्ता मंगाया गया है। और अगर पूरी खबर पर बात करें तो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति है, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन नियंत्रण में स्थिति है अभी। जी, ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ? आपसी कहा सुनी हुई थी। देर रात राजस्थान दिवस पे कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्या आयोजन किया गया था सीकर के रामला मैदान में, और वहां दो युवकों के बीच आपने आपसी कहा सुनी देखते देखते झगड़े में बदल गई और हालात अब तनावपूर्ण बन गए। क्या इसमें कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही दिखाई देती है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जहां झगड़ा हुआ वो काफी कार्यक्रम था, वहां से दूर हुआ था, लेकिन आपसी दो गुटों के बीच जो ये झगड़ा हुआ और कहीं ना कहीं अब जाकर के अब दबाव की स्थिति प्रशासन पे भी आ गई है, क्योंकि स्थिति अभी काफी तनावपूर्ण है। और गिरफ्तारी इसमें किस किस की हुई है? अभी तक गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। दोनों ही गुटों की ओर से जिन्होंने झगड़ा किया उनको गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस ने तेज किए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रमेश।
जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात रामलीला मैदान में दो गुटों में आपसी कहासुनी हो जाने के कारण ये विवाद हो गया, जिसमें पथराव भी हुआ और कई लोगों को चोटें भी आई। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है और अतिरिक्त आरएसी बटालियन को भी बुलाया गया है।